Good morning, students. Good morning, you all. Today we are discussing about the question paper of class 8. Okay, some important questions. Questions देख लेते क्या है. Question number first है, एक राष्ट्र के संविधान में शामिल है. राष्ट्र के संविधान में क्या शामिल होता है? Option number A, नियम होता है, कानून होता है, या फिर दोनों होते हैं. तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, नियम और कानून राष्ट्र के संविधान में दोनों होते हैं. नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे उत्कृष्ट रूप में क्या संदर्भित होता है. दैट मीन्स किसी लक्ष्य या सिद्धांत के उसके सबसे उत्कृष्ट रूपों में क्या संदर्भित होता है. मनमाना, मतलब किसी का जो मन कहे वो करे, या कोई आदर्श हो, या कोई राजनीति हो, क्या इसमें होता है. तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा, आदर्श. आदर्श बिल्कुल सही ऑप्शन है. आदर्श किसी राष्ट्र के किसी लक्ष्य या सिद्धांत के लिए सबसे उत्कृष्ट रूप से संदर्भित होता है आदर्श. नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं. भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं. अप्रत्यक्ष, कोई रोल नहीं होता है, अथवा प्रत्यक्ष रूप से. तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है. जो भी हम चुनते हैं, किसी भी चीज़ को चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं. केवल राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ऑप्शन नंबर फोर. ऑप्शन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, एक बार बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर पर चर्चा कर लेते हैं. किस समय तक राष्ट्रवादी आंदोलन की गति पकड़ ली थी. तो मतलब हम ये बात करें तो वह कौन सा समय था जब राष्ट्रवादी आंदोलन की गति पकड़ लिया था. जो राष्ट्रवादी आंदोलन था वह एकदम स्पीड से चलने लगी थी. ऑप्शन नंबर ए, 20वीं सदी की शुरुआत में, आधर 20वीं सदी के मध्य में, आधर 20वीं सदी के अंत में. 20वीं सदी के शुरुआत में, या 20वीं सदी के मध्य में, या फिर 20वीं सदी के अंत में. तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा. अब 20वीं सदी के शुरुआत में ही हमारे जो राष्ट्रवादी आंदोलन था वह एकदम गति, एकदम चरम सीमा पे आ गई थी. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है. नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में स्वतंत्र लोगों को क्या कहते हैं. सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में स्वतंत्र लोगों को क्या कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए, संप्रभु. संप्रभु बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका. संप्रभु जो होता है वह सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में स्वतंत्र लोगों को कहा जाता है संप्रभु. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है. प्रश्न नंबर छः, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य बढ़ावा देता है. राज्य किस चीज़ को बढ़ावा देता है, किसी एक धर्म को, कोई धर्म नहीं, या फिर दोनों को. तो राज्य किसको बढ़ावा देता है, तो किसी भी धर्म को राज्य बढ़ावा नहीं देता है. सभी धर्म हमारे संविधान में वो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत सभी धर्म समान होते हैं. तो राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है. नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर सात है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे. तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे. स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठ, राज्य सरकारों को किसके विषयों पर नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है. तो राज्य सरकारों को किसके विषयों पर नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है. ऑप्शन नंबर ए, एशियाई चिंता. ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सरोकार. ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं. सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही ऑप्शन है. इनमें से किसी को भी नहीं है. राज्य सरकार को कोई भी विषय प्राप्त नहीं है जो इनमें से है. इनमें से किसी विषय पर राज्य सरकार नियम नहीं बना सकती है. नेक्स्ट है प्रश्न नंबर नौ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत सरकार के गठन की में किसकी भूमिका है. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत सरकार के गठन में किसकी भूमिका होती है. ऑप्शन नंबर ए, सभी वयस्क भारतीय, केवल पुरुष, अदर सभी बच्चे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सभी वयस्क भारतीय. अपने यहाँ कितना है वयस्क जो माने जाते हैं, वो 18 साल पे होते हैं, चूँकि इनको क्या होता है, वोट देने का, मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नेपाल के राजा ने अंततः सरकार के प्रमुख के रूप में कब पदभार ग्रहण किया. नेपाल के राजा ने अंततः भारत सरकार के प्रमुख के रूप में कब पदभार ग्रहण किया था. ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2000, बी फरवरी 2005, एंड ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2007. तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, फरवरी 2005 में. फरवरी 2005 में नेपाल के राजा ने भारत सरकार के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था. फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो चलते आगे. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार है. मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार या ये दोनों, तो अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा दोनों है, क्षमता या समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों हमारा क्या है मौलिक अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, यदि 13 सॉरी प्रश्न नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 13 वर्ष का बच्चा किसी कारखाने में काम कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? 13 वर्ष का बच्चा किसी कारखाने में कार्य कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा की स्वतंत्रता, बाल श्रम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बालक है, 13 वर्ष का बच्चा वयस्क नहीं होता है, बालक होता है, बालक बाल श्रम के अंतर्गत ही आता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारे इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? चूँकि यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है प्रथम राष्ट्रपति की बात की गई है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम लिख लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जबकि वर्तमान की यदि बात की जाती है वर्तमान में, तो वर्तमान में है कौन है, वर्तमान में कौन है रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी लखनऊ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, भारत की राजधानी क्या है नई दिल्ली, कब बनी थी 1911 ईस्वी में, इसके पहले भारत की राजधानी क्या थी, इसके पहले कलकत्ता हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। भारत के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, माननीय योगीनाथ जी हैं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।